नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधन भी देंगे। सरकार ने मिशन को ऐतिहासिक करार दिया है और इसके तहत हर नागरिक के पास उसकी हेल्थ ID भी होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से की थी। अभी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट चरण में लागू किया जा रहा है और माना जा रहा है कि मिशन उसी तरह से हेल्थ इकोसिस्टम के लिए अहम साबित होगा और वैसा ही रोल प्ले करेगा जैसा पेमेंट के क्षेत्र में UPI ने किया है। लोग हेल्थ केयर सुविधाओं का लाभ लेने से सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होंगे और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश के स्तर पर उस समय रोल आउट किया जा रहा है जब NHA द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर बताया कि कल यानी कि 27 सितंबर को भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सुबह 11 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत होगी। ये मिशन स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाता है और इस क्षेत्र में नए इनोवेशन के दरवाजों को भी खोलता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद का विस्तार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के गांधी सभागार में हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में जितेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को हो गया था। जितेंद्र प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं राज्य मंत्री के रूप में छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, संगीता बलवंत बिंद, संजीव कुमार गोंड और दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल सिंह गंगवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई है। बता दें, उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रही योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा पर अब विराम लग चुका है। जून और जुलाई में चर्चा ने जोर पकड़ा तो अगस्त के अंतिम हफ्ते में 2 मंत्रियों के नाम के साथ ही शपथ लेने की तारीख भी तय होने लगी थी। मंत्रिमंडल विस्तार में एक ब्राह्मण जितेंद्र प्रसाद के अलावा 6 अन्य नेताओं ने शपथ ली है और ऐसे में इन 6 में से SC OBC जाति वर्ग से ये सभी नेता आते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया है। बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ली। 15 मंत्रियों में 8 पुराने चेहरे हैं जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी मंत्री थे। इस मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को जगह दी गई है तो मुख्यमंत्री चन्नी और उनकी कैबिनेट को मिलकर राज्य में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करनी है और उस जंग को जीतना है। जिन्हें चन्नी सरकार में मंत्री बनने का मौका नहीं मिला वो थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं। दरअसल, मंत्री पद जाने के बाद से 2 पूर्व मंत्रियों ने मीडिया के जरिए पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखी। इन पूर्व मंत्रियों के बयान के बाद पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि कई लोगों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में साधु सिंह धर्मसात, बलबीर सिद्धू, गुरप्रीत कांगड़, राणा गुरमीत सोंडी और सुंदर श्याम अरोड़ा को भी मंत्री पद नहीं दिया गया। ऐसे में चन्नी कैबिनेट की शपथ के बाद बलबीर सिद्धू और गुरप्रीत कांगड़ ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाईकमान के सवाल उनसे पूछा और नाराजगी का कारण भी जानना चाहा है। अठारह महीने से राजधानी दिल्ली के लोग कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज इससे थोड़ी सी राहत भरी खबर आपके लिए है। दरअसल, इस दौरान हर महीने कई लोगों की संक्रमण के चलते जान गई थी, लेकिन पहली बार अब तक सितंबर महीने में 23 दिन कोरोना वायरस जानलेवा नहीं रहा। 1 से 25 सितंबर के बीच सिर्फ 3 दिन एक मरीज की मौत दर्ज की गई है, जबकि अन्य महीनों में यह आंकड़ा कभी 100 तो कभी 8000 पर पहुंच चुका था। ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य
विभाग के अनुसार राजधानी में अब तक 25,085 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है और इस महीने की बात करें तो 7 से 16 और 17 को एक एक मरीज की जान गई है। जबकि राहत की बात है कि बीते 9 दिनों से एक भी संक्रमित मरीज की दिल्ली में जान नहीं गई है, वो भी तब जब अस्पतालों में 217 संक्रमित मरीज भर्ती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस से मौतें कम होने के पीछे टीकाकरण और संक्रमण का हाल ही में सामुदायिक प्रसार होना है। ऐसे में दिल्ली में औसतन रोज 1.50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 4 महीने पहले ही बता दें दूसरी लहर में दिल्ली सहित पूरे देश ने प्रकोप इसका झेला था। इस दौरान आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण की चपेट में आया था, जिसकी वजह से लोगों में संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। तो इसीलिए अब कोरोना के जहां पर मामले बढ़ रहे हैं और उतार चढ़ाव मामलों में देखा जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी और राहत भरी खबर है कि 8 महीने में पहली बार कोरोना से सबसे कम मौत का आंकड़ा सामने आया है। देश भर में रेलवे के सभी अस्पतालों में अब आम लोगों का भी इलाज हो सकता है। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार ने उत्तर मध्य रेलवे जोन समेत सभी जोनल रेलवे को भेज दिया है। अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लगी तो प्रयागराज स्थित केंद्रीय चिकित्सालय समेत जोन के अन्य सभी रेलवे चिकित्सालयों में रेल कर्मियों के अलावा बाहरी लोगों का भी इलाज हो सकेगा। इसके अलावा प्रस्ताव में रेलवे अस्पताल को PPE मोड पर विकसित करने की भी बात कही गई है। हालांकि रेल कर्मी इस प्रस्ताव के विरोध में आ चुके हैं। प्रयागराज स्थित केंद्रीय चिकित्सालय समेत देश में रेलवे के कुल 125 चिकित्सालय हैं और इसके अलावा 586 हेल्थ यूनिट भी हैं। ऐसे में वर्तमान समय में इन सभी चिकित्सालयों और हेल्थ यूनिट में सिर्फ रेल कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों का ही इलाज होता है। लेकिन अब केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार संदीप सान्याल द्वारा रेलवे के सभी चिकित्सालयों में आम लोगों के इलाज का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक को पत्र भी भेजा गया है और इस प्रस्ताव में रेलवे अस्पतालों को PPP मोड पर विकसित करने के लिए कहा गया है, ताकि रेलवे अस्पतालों में अन्य जरूरी सुविधाएं भी बढ़ाई जा सके। प्रस्ताव में कहा गया है कि रेलवे अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। हालांकि इस पत्र में कुछ ऐसे तथ्य भी शामिल किए गए हैं जिसका रेलवे यूनियन पदाधिकारियों ने विरोध किया है। दरअसल इसमें कहा गया है कि रेलवे के अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां पर इलाज लोगों का नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मौसम की बात कर लेते हैं। दिल्ली NCR में अगले एक हफ्ते तक बादल छाए रहेंगे और इस दौरान बारिश के भी आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बादलों और सूरज के बीच आंख मिचौली का खेल जारी रहेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों तक NCR में बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के मुताबिक 29 और 30 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है, वहीं अक्टूबर के पहले दिन भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 सितंबर और 2 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे, हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना बहुत कम है। ऐसे में मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस हफ्ते तेज बारिश नहीं हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात गुलाब की वजह से दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इस हफ्ते तेज बारिश नहीं हो सकती है और मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात गुलाब की वजह से दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में देश के कोने कोनों से शिरकत करने के लिए पहुंचे मातृशक्ति ने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती की और इस दौरान स्थानीय महिला मोर्चा की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखंड की संस्कृति की छवि भी देखने को मिली। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल और नगर निगम की महापौर अनिता ममगाई भी वहां पर पहुंची और दोनों ने राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत कर सम्मान किया। आरती का नजारा देख महिला मोर्चा के पदाधिकारी काफी खुश और गदगद भी नजर आए। बता दें मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वांति श्रीनिवासन ने अपने भव्य स्वागत पर महिला मोर्चा का आभार भी व्यक्त किया। कहा कि आज का दिन उनके लिए ऐतिहासिक है। माँ गंगा की गोद में बैठ कर उत्तराखंड की संस्कृति को देखने का जो मौका उन्हें मिला, उसे वो हमेशा
रखेंगी। बता दें उत्तराखंड की संस्कृति का जगह जगह व्याख्यान करना भी वो नहीं भूलेंगी और राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी इंदु गोस्वामी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। लगातार महिलाओं को बराबरी का हक बीजेपी सरकार देने में लगी है। मौके पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि इस बार सभी 70 सीटों पर बीजेपी के दमदार उम्मीदवार अपना दम दिखाएंगे। वहीं महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाने की कोशिश इस बार बीजेपी करने में लगी हुई है। मंगल ग्रह की लगातार 7 साल से परिक्रमा कर हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन अंतरिक्ष में भारतीय कौशल का नया सबूत बन गया है। 5 नवंबर 2013 को इसको दोबारा से लॉन्च करने के बाद इसने 24 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा शुरू कर दी थी। तब माना गया था कि 450 करोड़ रुपए का ये मिशन 6 महीने काम करेगा। सभी को चौंकाते हुए शनिवार को इसने काम पर अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। हालांकि इसरो के अनुसार मिशन ने मंगल ग्रह के 3 साल पूरे किए हैं क्योंकि वहां का 1 साल हमारे करीब 2 साल जितना होता है। साथ ही हमने मंगल पर मौसमों के असर को भी समझा है। मिशन लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन रहे राधाकृष्ण ने इसे संतोषजनक उपलब्धि बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत के पहले मंगल मिशन ने सभी उद्देश्य पाए और भारतीय तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया। इसके जरिए इसरो ने अंतरिक्ष मिशन के डिजाइन सिस्टम और सब सिस्टम का उपयोग अंतर्ग्रह प्रसेप्शन किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा कक्षा पथ में प्रवेश और अंतरिक्ष यान और वैज्ञानिक उपकरणों का मंगल ग्रह के इर्द गिर्द उपयोग सीखा। इसने भारत को अंतरिक्ष में प्रमुख महाशक्तियों में से एक बना दिया है। वहीं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है। इस बंद को देश की कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है और बंद को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी। एक तरफ किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत के दरवाजे खोलने की बात कही गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत बंद को लेकर कहा कि मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने को तैयार है। इसके पहले भी कई बार बात हो चुकी है, कोई बात बची है तो सरकार जरूर बात करने को तैयार है। खैर 10 महीने से आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश से इस बंद को सफल बनाने की अपील की है। बता दें आज सुबह 6 बजे से ही ये भारत बंद शुरू हो चुका है जो शाम 4 बजे तक चलेगा। ऐसे में अस्पताल, मेडिकल स्टोर और सभी तरह की मेडिकल सेवाएं, राहत और बचाव कार्य समेत सभी आवश्यक सेवाएं और जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है उनको इस बंद में छूट दी जाएगी। बैंक यूनियन भी इस भारत बंद का साथ दे रहा है। डल झील के आसमान में लड़ाकू विमानों के रोमांचक करतब और हेलीकॉप्टरों की हैरतगंज कराबाजियों ने सबका दिल जीत लिया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से वायुसेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। दरअसल मौका था मेगा एयर शो का। इसमें सूर्य किरण की टीम के करतब और पैरामोटर और पावर्ड हैंग ग्लाइडर डिस्प्ले MiG-21 बायसन से और SU-30 एयरक्राफ्ट ने काफी अच्छा काम किया। ऐसे में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को श्रीनगर के डल झील के किनारे मेगा एयर शो आयोजित किया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का आयोजन SKICC से शुभारंभ किया और भारतीय वायुसेना में नौकरी के अवसरों के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए शो की थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स रखी गई थी। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल BR कृष्ण भी मौजूद रहे। ऐसे में एयर शो में सबसे पहले पैरा मोटर डिस्प्ले हुआ, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा टीम ने डल झील के ऊपर MI-17 हेलीकॉप्टर ड्रॉप किया। इस दौरान हवा में अलग अलग करतब दिखाए गए। टीम के सदस्यों ने भारतीय तिरंगों को भी डल झील के ऊपर फहराया और दर्शकों की वाहवाही लूटी। इसके अलावा चिनकू हेलीकॉप्टर ने भी डल झील के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से झील के स्तर पानी में भी हरकत आ गई।
देहरादून के डोईवाला में पूरे विश्व में भारत का ध्वज ऊंचा करने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में टीम वॉरियर्स उत्तराखंड के संयोजक ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल वहां पर पहुंचे और युवा का उत्साहवर्धन किया। मैराथन दौड़ में लगभग 200 से ज्यादा युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें अंडर 16 में अंशुल चौहान ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं आपको बता दें कि अध्यक्ष सौरभ थपलियाल ने आयोजन की वाहवाही की और कहा कि एक संदेश नशा बेचने वालों के खिलाफ जाता है कि उत्तराखंड का युवा नशे की बजाय खेल को प्राथमिकता देना चाहता है, साथ ही इस तरह के आयोजन के युवा नशे से दूर रहकर खेल की ओर प्रभावित भी होंगे। अभी पूरा देश ने, पूरे विश्व ने कोरोना काल को झेला है और कोरोना काल से भी हम निकल के बाहर आ ही रहे हैं। निश्चित तौर पे इन युवाओं ने आज इस क्षेत्र में दौड़ के पूरे इस क्षेत्र में, इस समाज में एक अलग सी जगाई है कि निश्चित तौर पे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेके एक अलग सी जगाई है और युवाओं ने यहाँ पे मैराथन दौड़ के माध्यम से बड़ा अच्छा संदेश दिया है। हमारे बीच में काजल लोधी जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने कि नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य आज इन लोगों ने किया देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज युवा यहाँ पर दौड़ा है, उन्होंने अपना पसीना बहाया है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो कि नशे का जाल फैलाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अपने जो उनके जो ये कृत्य हैं, इससे उनको पीछे हटना पड़ेगा, उनको नशे का कारोबार बंद करना पड़ेगा। आज युवाओं ने ताल ठोक दी है। आज लोग, आज युवा जो हैं यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, आज उन्होंने 3 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे दौड़े हैं और निश्चित तौर पर क्षेत्र में एक नशे के खिलाफ उन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं बहुत बहुत इन युवाओं का साधुवाद करता हूँ। वहीं पौड़ी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और आगमन के लिए पुलिस द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत अब पुराने बस अड्डों से संचालित होने वाले कुछ मार्गों के वाहन को देवप्रयाग रोड स्थित नए बस अड्डे से संचालित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये व्यवस्था 27 सितम्बर यानी कि आज से शुरू होने जा रही है, जो 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। इसके साथ ही नए बस अड्डे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बस अड्डे में मूलभूत पौड़ी द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे में बता दें, डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी के मंडल की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। यातायात को देखते हुए और क्षेत्र में जो जाम की समस्या पैदा होती है, उसे निजात देने के लिए जो है ट्रेवल्स के जो मालिक है उनकी मीटिंग ली गई थाने पे, साथ साथ क्षेत्रीय जनता का भी जो है हमने मीटिंग ली है, जिसमें जो सभी से सहमत ली गई है और सभी से इसमें एसका है, तो हम उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जिसे देखते हैं कि सुचारू रूप से जो है यातायात व्यवस्था को किया जाए। तो इससे कितना फ़ायदा होगा सर, आम जनता को भी, पुलिस को भी और ट्रैवल्स वालों को भी? फायदा है कि जैसे पब्लिक आती जाती है तो सबको जो है इसमें जाम नहीं मिलेगा, लोग समय से अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे और किसी भी प्रकार कोई जो है नुकसान नहीं हो सकता किसी को। जो मीटिंग हुई हमारे फिर मोदी साथ में एक पौड़ी में, कि जो हमारे शहर जाने वाली गाड़ियाँ हैं इनके मुताबिक ट्रायल की वजह से बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी नए बस अड्डे में। अगर ट्रायल सफल रहा ये गाड़ियाँ वहाँ रहेंगी, अगर ट्रायल सफल रहा तो फिर गाड़ी पुरानी व्यवस्था में आने को हम साथ दोबारा बात करेंगे और जहाँ हमारे पुरानी पेड़ चले संचालन हो रही है वहीं चले गाड़ी संचालन होगी। इससे लोगों को दिक्कत होगी या आप लोगों को, आम जनता को परेशानी होगी, साथ में मेरे वाहन स्वामी इनको परेशानी होगी, क्योंकि आजकल तो कोविड काल से आज हम भी परेशान खड़े हैं, क्योंकि मेरे पौड़ी जिले की गाड़ियों को शासन से प्रशासन से जब इतना पैसा यहाँ लग रहा बस अड्डे में, तो फिर गाड़ियाँ क्यों भाग रही उस अड्डे में? और दुर्भाग्य कि इतने साल से बस अड्डे नहीं बन पाए, एक है जो बोलो 5 बजे दो वहाँ पहुँच जाओ, आज कल से व्यवस्था लागू हो रही है और कल से जो सवारी यहाँ से गाड़ियाँ बैठेंगी 10 बजे यहाँ से देखिए नए बस जाने की वहाँ से अलग जाएगी और सबको किसी महिला के पास कोई सामान सामान है, किसी महिला के पास कोई सामान करना बाजार में वो गाड़ी बुक करेगी वहाँ जाने के लिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले सहारनपुर पहुंचे, जहां उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए बहुजन कल्याण यात्रा का शुभारंभ किया गया है। वहीं इस यात्रा के शुभारंभ पर जनमंच सभागार में
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान रामदास अठावले ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार बिल में बदलाव करने को तैयार है लेकिन किसान है कि अपनी जिद पर अड़े हैं। वहीं धर्मांतरण मामले को लेकर अठावले ने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो वो एक अलग बात है लेकिन अगर किसी को पैसे के लालच देकर या जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बता दें ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले पहुंचे। ऐसे में तमाम बातें उन्होंने कही, किसान मुद्दे को लेकर भी उन्होंने बातचीत की और धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें की। किसान आंदोलन से जुड़ी उन्होंने कहा कि किसान से बातचीत करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार बिल में बदलाव करने के लिए तैयार है लेकिन किसान बातचीत नहीं करना चाहते। वहीं धर्म आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो वो अलग बात है लेकिन अगर कोई किसी को पैसे के लालच में देकर धर्म परिवर्तन उसका कराता है या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी काम कर रही है लेकिन इसी तरह का भारत विरोधी कोई भावना पैदा करना अच्छी बात नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं होना चाहिए और ओबीसी कितने भी सीटें खड़ी करे लेकिन उसका कोई हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बीजेपी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है और वो जो वोट लेंगे वो उसमें कांग्रेस का सपा का नुकसान होगा, उसमें बीजेपी का बिल्कुल नुकसान होगा नहीं। आपको क्यों लगता है कि सोनिया गांधी को 2014 में प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा बोला कि मुझे एक पत्रकार ने पूछा था तो मैंने बोला कि तब मैं उनके साथ था, मैं यूपीए में साथ था तो तब मैंने मेरी भूमिका रखी थी लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये था कि शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। अगर सोनिया गांधी को नहीं बनना है तो मनमोहन सिंह के बजाय अगर शरद पवार को अगर प्रधानमंत्री बनाते थे तो कांग्रेस पार्टी का आज जो इतना नुकसान हुआ है उतना नहीं होता था। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।